एसडीएम ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा, नियुक्ति कर्मी को दिए गए निर्देश। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत होने वाले 4 परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने के साथ नियुक्ति कर्मी को दिए गए हैं निर्देश। एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा को सफल बनाने के लिए सभी केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की नियुक्ति कर दी गई है। विद्यार्थियों को पहली पाली में 9:20 तक परीक्षा रूम में प्रवेश करा देंगे। परीक्षा समय से 10 मिनट पहले ही परीक्षार्थियों को प्रवेश करा दें ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ परीक्षार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मोबाइल चिट लाने का प्रयास ना करें। वहीं परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त सभी कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें। साथ ही परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की दूरी तक परीक्षार्थी के अभिभावक वाहन न लगाएं, खड़े न रहें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों के नजदीकी फोटो स्टेट दुकान बंद रहेंगे। R9 भारत के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट, सुपौल से। वार्ड सचिव पद के लिए चुना गया फारूक अब्दुल्ला को। त्रिवेणीगंज प्रखंड के महेशुआ पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गजहर वार्ड नंबर 4 में आज वार्ड सचिव पद के लिए फारूक अब्दुल्ला को चुना गया। वहीं उन्होंने बताया, जनता ने मुझ पर जो भरोसा किया है मैं उसे बखूबी निभाने का काम करूंगा। मैं जो भी काम करूंगा वो अपने वार्ड के सभी समुदाय के लोगों के हित के लिए करूंगा। मेरा काम रहेगा अपने वार्ड का विकास करना। कैसी का बैठक किया गया था? वार्ड सचिव का किसको चुना गया है? वार्ड सचिव मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला। कितने नंबर वार्ड से? 4 नंबर वार्ड से, महेशुआ पंचायत। आपका नाम? मेरा नाम सोनम कुमारी, ब्लॉक अकाउंटेंट। क्या नाम है? मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला। किस पद पे चुना गया है? वार्ड सचिव पद पे। क्या शुभकामना देंगे अपने जनता को वार्ड सचिव बनने के बाद? मैं अपने समाज को अच्छा से अच्छा विकास, जो भी समाज में आएगा सबके बीच में रखते हुए और जो अच्छा लगेगा समाज को वो मैं काम करूंगा। और मैं पूरे 2 वर्ष के अंदर में जितना आएगा मेरे साथ फंड, मैं सब जाति के वर्गों के साथ मैं काम करूंगा। कौन सा पंचायत है? महेशुआ पंचायत, वार्ड नंबर 4, जिला ब्यूरो चीफ शहबाज खान।